इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज होने जा रहा है। खबर यह है कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा। महत्वपूर्ण खबर इसमें यह भी है कि बारिश के बाद अब इस अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। बड़े स्तर पर अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू होगा, बुलडोजर चलेगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जगह चिन्हित करें, कहां कहां अतिक्रमण है ये तय किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए। अगले 7 दिनों में एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी कि किस तरह से अतिक्रमण को हटाया जाएगा राजधानी भोपाल से। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण जो आप देखते हैं उसको हटाने के लिए अब विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। 7 दिन में योजना तैयार हो जाएगी। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, बताइए कैसे इस योजना को पूरा किया जाएगा और कहां सबसे ज्यादा अतिक्रमण राजधानी भोपाल में देखने को मिलता है? जी बता दूं विवेक, लगातार अतिक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार जहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, उससे भोपाल राजधानी भी अछूती नहीं है। भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र ने साफ तौर पर कह दिया है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए कि 7 दिनों में एक रूपरेखा तैयार किया जाए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाए, जहाँ जिस क्षेत्र में ज़्यादा अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, जिसके चलते जो बारिश होने के बाद अब उन्हें चिन्हित किया जाएगा और 7 दिनों के अंदर यह विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी जाएगी। उसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज़ होगा और जगह जगह बुलडोजर चलते हुए नजर आएंगे। यह निर्देश उन्होंने बैठक में अपने अधिकारियों को दिए हैं और उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा यदि हम बात करें राजधानी में पुराने भोपाल की बात करें, वहां पर अतिक्रमण के कारण कई घर जो हैं डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, नालियों पर लोगों ने मकान बना लिए, जिसके चलते बारिश में वहां पर पानी भरा जाता है और कॉलोनियों में लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, उस परेशानी को दूर करने के लिए अब यह प्रयास किया जाएगा। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।